नमस्कार, मैं हूँ माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे ज्ञानचंद सारस्वत ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता आनंद सिंह राजावत मुलाकात करने पहुंचे। इस मौके पर राजावत ने कहा कि वह ज्ञान सारस्वत को छोटे भाई के रूप में आशीर्वाद देने आए हैं और आशीर्वाद देने में राजनीति बीच में नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह भाजपा से बंधे हुए हैं और अपना वोट बीजेपी को ही देंगे, लेकिन आशीर्वाद देने आज वे ज्ञान सारस्वत के पास आए हैं। और ज्ञान जी के खिलाफ कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर गलत खबर डाली जा रही थी, जिसके कारण उन्हें बहुत पीड़ा हुई है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे ज्ञान सारस्वत से आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और जिला उपाध्यक्ष आनंद सिंह राजावत मुलाकात करने पहुंचे। इस मौके पर राजावत ने कहा कि वे ज्ञान सारस्वत को छोटे भाई के रूप में आशीर्वाद देने आए हैं और आशीर्वाद देने में राजनीति बीच में नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नामांकन वापस लेने की तारीख पर वासुदेव देवनानी को ज्ञान सारस्वत के पक्ष में स्वयं का नामांकन वापस ले लेना चाहिए था, क्योंकि युवा को आगे बढ़ाना जरूरी है। राजावत ने कहा कि ज्ञान सारस्वत के खिलाफ कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डाली जा रही है, जिससे उन्हें काफ़ी पीड़ा हुई है और इसी को लेकर वे उनसे मिलने गए। उन्होंने कहा कि वे भाजपा से बंधे हुए हैं और अपना वोट बीजेपी को ही देंगे, लेकिन आशीर्वाद देने आज वे ज्ञान सरस्वत के पास आए हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और ज्ञान जी भी हमारे ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे छवि वाले युवा नेता है। जब से ज्ञान जी ने नामांकन भरा है तो कुछ लोगों ने फेसबुक पे, मैं देखता हूँ, बहुत ही घटिया तरीके से उनका विरोध किया जा रहा है। और वो विरोध भी कोई और करे तो उसकी इतना ध्यान नहीं जाता, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया से जुड़े लोग ऐसी पोस्टें डाल रहे हैं, जैसे ज्ञान जी सनातन विरोधी हो गए, गौ हत्या के करने वालों के साथ हाथ मिला लिया, इस तरह की पोस्टें देख के मुझे बहुत पीड़ा हुई। तो मुझे लगा, और मैंने एक दो दिन तो देखा, शायद मैंने कहा ऐसी पोस्टें डाल देते हैं, लेकिन जब ये लगातार पोस्ट बढ़ती जा रही थी, अब आज एक पोस्ट डाली किसी ने कि सीटी सभ्य समाज की पहचान नहीं है। अब ये बताइए कि सीटी चुनाव चिन्ह तो चुनाव आयोग देता है, तो ज्ञान जी का इसमें क्या रोल है? इस तरह की पोस्टें देख के मुझे पीड़ा हुई। तो मुझे लगा, और ज्ञान जी बेचारे चुप बैठे हैं, वो इस तरह का जवाब नहीं दे रहे, जबकि ये नैतिक जिम्मेवारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की है जो चार चार बार चुनाव लड़ चुके हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं। उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा आचरण न करे, चुनाव अच्छे से संपन्न हो, इसमें हम सबकी जिम्मेवारी है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की और भी ज़्यादा जिम्मेवारी मैं मानता हूँ। हमारे दोनों विधायक चार चार बार जीते हैं, 5 बार निगम में बोर्ड बना है, जिला प्रमुख, जिला आपके MP हमारे हैं, सभी कुछ है, इतने वार्ड पार्षद हमारे हैं। तो एक सभ्य तरीके से चुनाव हो, शांतिपूर्ण हो, अच्छे माहौल में हो, ऐसा होना चाहिए और ऐसी अपेक्षा सबको रखनी चाहिए। इस नाते मैं ज्ञान जी से व्यक्तिगत इसीलिए गया कि वो भी बहुत पीड़ित थे। जब मेरी उनसे चर्चा हुई तो मैंने बात की तो उन्होंने कहा, यार इस तरह से मेरे को ऐसी पोस्टें डाली जा रही है, ठीक है वैचारिक लड़ाई है, उनको टिकट नहीं दिया गया, वो अपना निर्दलीय लड़ रहे हैं, अब वोट देना ना देना सबका अपना चॉइस है, कोई किसी पर जोर जबरदस्ती तो है नहीं। और यदि आपने बहुत अच्छे काम कराए हैं तो आप विकास पर वोट मांगिए, ये सनातन के आधार पर वोट मांगने का क्या तरीका है? मेरे ये समझ से बाहर हुई। तो मैं आज ज्ञान जी के पास गया, उनको शुभकामनाएं दी, उनका हौसला बढ़ाया और ये मैंने स्पष्ट कहा, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा वोट तो भाजपा को जाएगा, लेकिन हम सब क्या ये दायित्व है कि हम अच्छे आचरण से, शांतिपूर्ण तरीके से, सभ्य तरीके से, सौम्य तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराएं। और कल यदि आप मान लीजिए कि ज्ञान जी विधायक बन जाते हैं और सरकार बनाने में ज्ञान जी की आवश्यकता पड़ी, तो फिर ये एक दिन में गैर सनातनी से फिर सनातनी हो जाएंगे, यही ज्ञान जी अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत संबंध खराब हो। और मैंने तो ये भी कहा कि यदि मैं शुभकामना दे रहा हूँ तो कल महेंद्र सिंह जी रड़ौता से भी मिलूंगा तो उनको भी मैं शुभकामनाएं दूंगा। ये हमारी भारतीय परंपरा है और संघ की भी परंपरा है, सबको शुभकामनाएं देना एक ही बहुत सामान्य बात है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैं कोई ज्ञान जी के लिए प्रचार में शामिल हो रहा हूँ, न मैं ज्ञान जी के नामांकन में गया, न उनके कल चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था उसमें गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि एक भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उसके प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कि वो अच्छा आचरण करे, बस मेरा इतना ही कहना था।
तो उसका समझाने की और एक प्रक्रिया है, वो दोनों पार्टियों की राजनीति सभी राजनीतिक पार्टियों की प्रक्रिया है और उसमें समझाइश और वो था, लेकिन मैंने निश्चय किया था, निश्चय मैंने नहीं किया था, जनता ने किया था कि आप चुनाव लड़ना है और उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ाओ। जब मैंने मालाएँ पहन ली लोगों की, तो मालाएँ पहन ली तो मैं उनके विश्वास को नहीं तोड़ सकता था और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का प्रयास करता था। हाँ जी, एक सबसे बड़ा पहलू ये भी आता है, देखिए चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना सिक्के के दो अलग पहलू हैं, कैसे सामना कर पाएंगे? नहीं, सामना करने की स्थिति तो राजनीतिक दलों के लिए होती है, चुनाव लड़ना और जीतना, उनको पहले टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद चुनाव मैनेजमेंट के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नए तो यहाँ मेरे को किसी की टिकट मैंने लिया है, मेरी जनता ने मुझे टिकट दिया है, संघर्ष इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जनता अपने आप चुनाव लड़ा रही है और मैं चुनाव जीतने की ओर जनता मुझे ले जा रही है, वही मतदाता आगे ले जा रहे हैं जिनको चुनाव जिताना है। आखिर ऐसी क्या समस्या रही जो आपने बगावत की? मैं आपसे एक बात कहूँगा कि गद्दारी अलग विषय होता है, अगर आप किसी के साथ रहकर और उसकी पीठ में छुरा बोकते हैं तो गद्दारी कहलाती है, गद्दार कहलाने से ज़्यादा अच्छा था कि बागी कहलाना। आज मैं सबके सामने लड़ रहा हूँ और सब मेरी पूर्व परिवार पार्टी परिवार को भी पता है कि मैं अपने विचार उसी विचारधारा को लेकर और आगे बढ़ रहा हूँ और मैं बागियों के चुनाव लड़ रहा हूँ। कारण ये रहे थे कि अजमेर की आप जो दुर्दशा देख रहे हैं, आज 96 घंटे 72 घंटे 108 घंटे में पानी मिल रहा है, क्यों बिसलपुर हमारे लिए बना था क्यों पानी नहीं मिल रहा है, अगर बिसलपुर से कहीं कमी है तो स्टोरेज क्यों नहीं किया गया, स्टोरेज के अलावा लोकल हमारे स्थानीय जल स्रोतों का उपयोग क्यों नहीं लिया था, कहीं ना कहीं अजमेर में, अजमेर सबका है, व्यापारियों का है, ठेले वालों का है, मजदूर का है, कोठी वालों का भी है, पैसे वालों का भी है, पशु जो अजमेर में रहते हैं उन पशुओं का भी है, पक्षियों का भी है, उनके बारे में किसी ने सोचा नहीं राजनीतिक दल ने, और उन्हीं को और अजमेर की जो सीवर की समस्या, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, नाली की समस्या और अजमेर के विकास की जो समस्या देख रहे हैं, कोई ज़माने में माननीय बी के कौल जी के समय अजमेर मेरवाड़ा एस्टेट के समय अजमेर का जो गौरव था धीरे धीरे वो गौरव समाप्त हो गया, आजपुर का एजुकेशन हब बन गया, जौनपुर आगे निकल गया, मेरवाड़ा वस्त्र नगरी बन गया और ये सब जो हमारा अजमेर पिछड़ता जा रहा है, इसी गौरव को पुनश्च लौटाने के लिए, लौटाने के संकल्प और इस गौरव को वापस विकसित करने का प्रयास करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है जो आम जनता तक पहुँचाने का काम करता है, वो मैनिफेस्टो पूरा नहीं होता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मैं भी अपनी जनता से कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, उनको कुछ गारंटियाँ दूंगा 5 साल के लिए ये काम करूंगा और उसमें कोई ऐसी बढ़ चढ़ की घोषणा नहीं करूंगा। आज मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं 24 घंटे में पानी दे दूंगा, लेकिन मैं अजमेर की जनता को यही कहूंगा, मेरे मतदाताओं को यही कहूंगा कि जो भी करूंगा अच्छा करूंगा, पूरा करूंगा, मेरे मतदाताओं को कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। मैं अजमेर में पैदा हुआ, अजमेर में पला हूं, बढ़ा हूं और यहीं शिक्षा ग्रहण की, अजमेर की मिट्टी में मैं ही रोटी खाता हूं, यहीं का पानी पीता हूं, मुझे यहाँ की समस्याएं और यहाँ की जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में मुझे पता है और मैं अच्छे से उनका निराकरण करने का प्रयास करूँगा। शीर्ष वो जो घोषणा मैं करने वाला हूँ, सामान्य घोषणाएँ हैं, वो घोषणाएँ आपके सामने आ जाएगी। ज्ञान जी, आपका जो चुनाव चिन्ह है सीटी बजेगी या बजाएंगे? नहीं, हम किसी का बजाने के लिए नहीं आए, हमारी विकास की सीटी है। जब ट्रेन चलती है तो आगे से पीछे से स्टेशन मास्टर सीटी बजाता है, ट्रेन चलती है, कारखाना शुरू होता है उसके पहले। आगामी विधानसभा चुनाव में अजमेर उत्तर और दक्षिण से कौन बनेगा विधायक, इसी को लेकर स्वामी न्यूज द्वारा बोल वोटर बोल के माध्यम से जनता से संपर्क, उनके विचारों को लाइव के माध्यम से दिखाया जा रहा है। गुरुवार शाम को स्वामी न्यूज की टीम द्वारा नया बाजार चौपड़ से लाइव के माध्यम से आम जनता से चर्चा की गई। जिस प्रकार से जनता का देखिए सवालों के जवाब लगातार आ रहे हैं, एक बार हम आपसे जानेंगे कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में किसको विधायक के रूप में आप देखना चाहते हैं? इस बार जैसे कि अभी मेरा नाम गौरव दादिच है, अजमेर की उत्तर की जनता बड़ी मतलब पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, अजमेर भी पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि भीलवाड़ा एक वस्त्र नगरी बन गया है, कोटा एजुकेशन हब बन गया है, कि जैसा कि अपन समझ रहे हो अजमेर उत्तर की जनता आज 20 सालों से देवनानी जी को जिता ही रही है, ठीक है, मगर अब परंतु अब क्या है, पब्लिक की, मेरी और युवाओं की सोच है कि इस बार कोई निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञानचंद सारस्वत जैसा साफ छवि वाला आदमी आना चाहिए, जो कि अजमेर को एक ऊर्जावान विधायक मिले और अजमेर को एक विकास की सिटी की तौर पे पूरा काम, जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि जैसे कि पानी 7-7 दिनों में नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ देवनाथ जी जो फैसागढ़ चौकी है, पुलिस चौकी, उस बेल्ट में ही रोड सही नहीं करवा पा रहे तो अजमेर की उत्तर का तो कुछ भी नहीं करवा पाएंगे, मेरी जो सोच है। और 7-7 दिन में जहाँ पानी आ रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि विकास की ऊर्जावान नया आदमी मिले, ज्ञानचंद सारस्वत जी अजमेर उत्तर के विधायक बने और बनेंगे निश्चित तौर पर, भारी वोटों से विजयी होंगे। आप यहाँ जनता ने परिवर्तन की बात रखी है, परिवर्तन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने कहा कि परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने जो आपने इन्होंने भैया ने जो बात बोली वो बिल्कुल सच बोली,
कि अजमेर की जनता वास्तव में परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा तो अजमेर शहर का विकास होगा, अच्छा वाला विकास होगा, जो जनता चाहती है वैसा विकास होगा। इसीलिए आप हम सब मिलके अगर अजमेर की जनता ये दृढ़ निश्चय कर लेवे कि वास्तव में अजमेर को एक नया ऊर्जावान नेता चाहिए तो वास्तव में अजमेर में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम तो ज्ञान जी सारस्वत के फेवर में ही बोलेंगे। इन 20 सालों में दोनों बीजेपी के विधायकों ने यहाँ अजमेर की जनता को प्यासा ही मारा है। आज अजमेर का पानी सारी चारों तरफ बांट बांट के ले गए, ये दोनों विधायक कुछ भी नहीं कर पाए हैं। आज मैं वार्ड नंबर 4 से आता हूँ, देवनानी जी के बाढ़ से हम तो खुद ही प्यास से मर रहे हैं, उनकी बाढ़ की जनता ही प्यास ही मर रही है। तो क्षेत्र तो कहाँ से, क्षेत्र को तो वहां से पानी मिलेगा? आपकी ज्ञान जी सारस्वत को जिताएंगे भारी मतों से और चेहरा चेंज करेंगे, बदलाव। दीपावली पर्व पर आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए अजमेर जिला पुलिस द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसमें पुलिस द्वारा 17 इंस्पेक्टर्स और 400 से अधिक जवान मुस्तैद रहेंगे। पुलिस द्वारा शहर के मुख्य बाजारों और प्रवेश द्वारों पर विशेष इंतजाम किए गए जिसमें वाहनों की चेकिंग भी की जाएगी। इसके अलावा पूरे शहर में अभय कमांड सेंटर के कैमरा से निगरानी रखी जाएगी। दीपावली पर्व पर आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसके लिए अजमेर जिला पुलिस द्वारा विशेष इंतजाम किए गए। इसमें पुलिस द्वारा 17 इंस्पेक्टर और 400 से अधिक जवान मुस्तैद रहेंगे। इस संबंध में पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के मुख्य बाजारों और शहर के प्रवेश द्वारों पर पुलिस का जाब्ता रहेगा। उनके द्वारा आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जाएगी और वाहन चलाने वालों की भी जांच की जाएगी कि कहीं वे शराब पीकर वाहन तो नहीं चला रहे हैं। इसके अलावा पैदल हथियारबंद जवान भी मुस्तैद रहेंगे और आने जाने वालों पर निगरानी रखेंगे। इसके अलावा अभय कमान सेंटर से पूरे शहर में कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी जिसमें किसी भी प्रकार की घटना होने पर फील्ड में तैनात जवानों को तुरंत सूचित किया जाएगा ताकि स्थिति पर नियंत्रण किया जा सके। सबसे पहले तो मैं दीपावली के पावन पर्व पर अजमेर शहर के समस्त बासिंदों वासियों को और अजमेर जिले के संबंध वासियों को SP साहब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हम चूँकि पुलिस के जवान हैं, छुट्टियां दीपावली घरों पे नहीं मनाते, हम तो ड्यूटी देते हैं। अतः हमारे पुलिस का हमने माकूल इंतज़ाम जिला स्तर पर और शहर स्तर पर किया है। इसके लिए हमने 2 एडिशनल साहिबान, 8 DYSP साहिबान, 17 इंस्पेक्टर, 9 सब इंस्पेक्टर, 13 ASI और 400 हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल मिला के इस तरह हमने 500 से अधिक का जाब्ता अलग अलग स्थानों पर डिप्लॉय किया है। उन जाब्ते के द्वारा हम पूरी तरह से निगरानी रखेंगे और इस तरह इसको करके हमने कुछ फिक्स पिकेट्स बनाए हैं। इसके अलावा जैसे ये करके हमने फिक्स पिकेट बनाए हैं उसमें जैसे कोतवाली थाना क्षेत्र में महेश मेडिकल वगैरह 7 पॉइंट्स पे, सिविल लाइन में 3 स्थानों पे, क्रिश्चनगंज थाना क्षेत्र में 3 क्षेत्रों पे, क्लॉक टावर में 2, रामगंज में 2, अलवर गेट में 3, आदर्श नगर में 2, इस तरह से हमने फिक्स पिकेट की है। उस पे 24 घंटे जाब्ता रहेगा, वो आने जाने वालों को चेक करेगा ताकि कोई शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं और किसी तरह की बदमाशी नहीं हो और शहरवासी संपूर्ण दीपावली का आनंद अच्छी तरह से प्राप्त करें। इसके अलावा भी हमने हथियारबंद जाब्ते को अलग से ड्यूटी लगाई है जो पैदल हथियार लेकर के गश्त अपने अपने क्षेत्र में करते रहेंगे। इसके अलावा हाँ फरमाएं सर, फुटेज भी हाँ हमारा, मैं बता रहा हूँ अभी सुनिए, अभय कमांड सेंटर पे कैमरे चालू रहेंगे, शहर में कहीं भी कोई बदमाशी होगी तो उसके लिए हमारी टीमें रहेगी, हथियारबंद कैदल कस रहेगी, घुड़सवार रहेंगे। इसके अलावा भी हमने प्रत्येक थाना क्षेत्र में 2 या 3 मोटरसाइकिल राइडर जो हैंडसेट और वायरलेस के साथ रहेंगे ताकि क्विक रेस्पॉन्स के लिए कहीं भी जाना हो हर क्षेत्र में 2 रहेगी जो थानाधिकारी अथवा पब्लिक मैन अथवा क्लॉक टावर या अभय कमांड सेंटर के आधार पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। यातायात व्यवस्था के लिए माकूल एवं इंतजाम किए गए हैं हमारे DYSP और जो CI साहब हैं नरपत जी, TI साहब, उनके नेतृत्व में संपूर्ण जाब्ते को प्रभारी लगाया गया है। इसके अलावा वैसे हमने अखबार में भी दे दिया है और अलग से हमने पार्किंग स्थल तय किए हैं, वहीं पे लोग पार्किंग करके और आगे जाएंगे। वो पार्किंग स्थल में आपको बता दूँ, सूचना केंद्र है, ऋषि घाटी है, इधर इंडिया मोटर्स है, अजंता सिनेमा है, गवर्नमेंट कॉलेज का चौराया है, गौशाला का आशागंज है, ट्रॉम्बे स्टेशन है, सीताराम बाजार है, पुरानी बकरा मंडी है।
इस तरह से हमने पार्किंग स्थल बनाए हैं ताकि वहीं पे लोग अपने वाहन करें और पैदल पार्किंग, क्योंकि परचेजिंग के लिए लोग जाएंगे और दीपावली का आनंद लेंगे, तो इसके लिए उन फिक्स पैकेट पे रहेंगे, उसके लिए हमने यातायात व्यवस्था को माकूल। थारवानी और गुरनानी फाउंडेशन के चेयरमैन राजा डी थारवानी द्वारा अपनी माता जी की पुण्यतिथि के अवसर पर रामगंज ब्यावर रोड स्थित गुरुद्वारे पर 60 जरूरतमंद महिलाओं को सुखी राशन सामग्री और दीपावली पर्व को देखते हुए डिनर सेट, मिठाई और अन्य सामग्री भेंट की। इस मौके पर राजा दीप थारवानी ने बताया कि पिछले 17 सालों से प्रत्येक महीने जरूरतमंद और विधवा महिलाओं को सूखा राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। थारवानी और गुरुनानी फाउंडेशन के चेयरमैन राजा डी थारवानी द्वारा अपनी माताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर रामगंज ब्यावरोड स्थित गुरुद्वारे पर 60 जरूरतमंद महिलाओं को सूखी राशन सामग्री और दीपावली पर्व को देखते हुए डिनर सेट, मिठाई और अन्य सामग्री भेंट की गई। इस मौके पर राजा डी थारवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 17 सालों से प्रत्येक महीने जरूरतमंद और विधवा महिलाओं को सूखी राशन सामग्री का वितरण करते हैं। उन्होंने 5 महिलाओं से इसकी शुरुआत भी की थी, जिसमें आज 60 महिलाएं हो चुकी हैं। थारवानी ने कहा कि उनका लक्ष्य 100 से अधिक महिलाओं तक का है, जिसमें वे जरूरतमंद महिलाओं की सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि कोविड के समय भी फाउंडेशन और सदगुरु ग्रुप के सहयोग से अनेक लोगों को सूखी राशन सामग्री भेंट की गई थी। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भी दिए गए थे। नमस्ते अजमेर, मैं आपका खुद का राजा डी थारवानी, आप सबको, शहरवासियों को, माताओं बहनों को, मेरे भाई बहनों को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज धनतेरस के इस पावन पर्व पर रामगंज में गुरुद्वारे के सामने हमने मेरी माँ के एनिवर्सरी के डेट पर जो मेरी माताएं बहनें हैं उनको भोजन सामग्री की जो कच्ची सामग्री वितरित करते हैं हम हर महीने, पिछले ये समझो मैं बोलता हूँ उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि पिछले 17 साल से ये थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन TNG फाउंडेशन जो सिर्फ 5 माताओं और बहनों से हमने ये शुरुआत की थी संस्था की, जिसमें भोजन सामग्री हम वितरित करते थे हर महीने, वो आज लगभग 60 का आंकड़ा पार कर चुका है और उम्मीद करते हैं हम अगले 1-1.5 साल में इसको 100 माताओं बहनों की संस्था बनाएंगे। इसमें हम हर धनतेरस पे इनको एक परिवार के रूप में मानते हुए हम गिफ्ट देते हैं, जैसे आज 32 आइटम्स का डिनर सेट दिया गया, मिठाई दी गई, जैसे हम परिवार में मिठाई खाते हैं, नमकीन खाते हैं, पटाखे चलाते हैं और जो भोजन सामग्री वितरित करते हैं वो तो करते ही हैं। और इस संस्था के तत्वधान में अजमेर में कोविड के टाइम पे भी आपको अगर याद हो हमने 70,000 से ज़्यादा फूड पैकेट्स न सिर्फ अजमेर में बल्कि पुष्कर और किशनगढ़ में बांटे। सदगुरु ग्रुप के सहयोग से लगभग 1.25 करोड़ के हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन को और विभिन्न अस्पतालों को डोनेट किए। ये सब जनता की शक्ति है और मैं आपके चैनल से के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि हर इंसान में ये भावना होनी चाहिए कि आज समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, हमें इज्जत दी है, हमें नाम दिया है, हमारा नाम रोशन है और जो भी मिला है समाज से ही मिला है, धन दौलत ऐश्वर्य धंधा बिजनेस, तो हमें भले छोटे ही रूप में जिस रूप में आपकी इच्छा शक्ति हो उस रूप में हमें समाज को कुछ ना कुछ, चाहे विद्या के रूप में, चाहे स्टूडेंट्स को डोनेशन के रूप में, वृद्धाश्रम में, बाल आश्रम में डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो यज्ञ है इसमें छोटी आहुति भी मायने रखती है। मैं हर बार बोलता हूँ कि बूंद बूंद से गड़ा भरता है, जरूरी नहीं है हम NRIs हैं तो आप सोचे कि इस लेवल का करें, आप अगर छोटी लेवल का भी करेंगे तो विश्वास जानिए कि वो परमपिता परमेश्वर, वो जो माता रानी है, वो आपके ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद करेंगी कि आप इस लेवल पे बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये जो दुआएं निकलती है दिल से, विश्वास कीजिए मैं बोल रहा हूँ, ये दुआ से ही आज सदगुरु ग्रुप, TNG फाउंडेशन और राजा डी थारवानी इन 13 सालों में इतना बड़ा
मुकाम और इतना बड़ा एम्पायर सेट किया है, ये सब इन माताओं बहनों की दुआएं हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। ये इन माताओं बहनों को एक तो हमने डिनर सेट दिया है जो हर धनतेरस पे, क्योंकि मेरी माता जी की पुण्यतिथि है आज, उन्हीं के डेडिकेशन से हमने ये बचपन से देखा कि वो भले छोटे रूप में ही करते थे, जैसे गौशाला में मुझे ले जाती थी जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मैं हंस के बोलता था मम्मी आप ये 2 रुपए का इनको खिला रहे हो घास, इससे बढ़िया मुझे दे दो, तो बोले बेटा मैं तुझे पाल रही हूँ, रोटी खिला रही हूँ, ये एक अपनी जगह है, लेकिन ये मैं अपना जीवन सुधार रही हूँ। तो आज जब मैं गौशाला में 180 दिन पिछले 17 साल से निर्बाध रूप से वहां डेली एक ट्रॉली जाती है, तो मन को एक सेटिस्फेक्शन होता है। आप ऐसा कोई काम कीजिए कि रात को जब बिस्तर पे जाए तो एक खुशी हो कि मैंने जीवन में आज एक अच्छा काम किया है। तो जैसे इसमें आटा है, तेल है, घी है, शक्कर है, चाय पत्ती है, बिस्किट्स है, टोश है वगैरह वगैरह, जो एक हमें परिवार में डे टू डे खाने पीने के उसमें चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। और मेरी इच्छा है कि मेरी जनरेशन के बाद, मेरी बेटी है भूमिका और बेटा है मंथन, उनने भी ये प्रण लिया हुआ है कि डैडी जब तक आपके सांस में सांस है आप करते रहिए, और उनके कंधे से कंधे और ये मेरी टीम कंधे से कंधा लगा के बैठी है, तो हम आद जुगाद तक ये अजमेर की सेवा करते रहे। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ज्ञान सारस्वत ने गुरुवार को मुख्य कार्यालय का उद्घाटन 104 वर्षीय बुजुर्ग महिला के हाथों से कराया। इस मौके पर ज्ञान सारस्वत ने कहा कि वह जनता के टिकट पर जनता के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए जनता के सहयोग से वह जीत भी दर्ज करेंगे। नामांकन वापस लेने की तिथि के पश्चात अब प्रत्याशी और निर्दलीय द्वारा अपना प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जा रहा है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से बागी निर्दलीय उम्मीदवार ज्ञानचंद सारस्वत ने आनासागर पुलिस चौकी के नजदीक मुख्य कार्यालय का उद्घाटन 104 वर्ष की बुजुर्ग महिला द्वारा किया गया। इस मौके पर निर्दलीय उम्मीदवार ज्ञान सारस्वत ने कहा कि जनता के टिकट पर वे चुनाव लड़ रहे हैं और जनता ही उन्हें नामांकन भरवाने गई थी, और आज सैकड़ों की संख्या में मुख्य कार्यालय खुलने पर जनता ही भारी मात्रा में उपस्थित है। इससे साफ लगता है कि जनता का मुझे पूर्ण सहयोग प्राप्त है और जनता ही मुझे चुनाव जिताकर लाएगी। जैसे चुनाव एक लोकतंत्र का पर्व है, मैं चुनाव में सहभागी हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, तो हमारे शुभ कार्य की शुरुआत देवदर्शन से होती है। 2 दिन के देवदर्शन और यात्रा के बाद आज लौटा हूँ। मुझे भाई बताया गया कि कार्यालय का उद्घाटन है। जब उद्घाटन की बात आई तो मेरा कौन से नेता आ रहे हैं कि साहब कोई नेता नहीं आ रहा, आपके नेता कौन है? जनता ने आपको खड़े किया, जनता ही आपके नेता है। तो हमारे साथियों ने एक नवाचार करते हुए 104 वर्षीय वृद्धा माता जी है मेरी और भगवान स्वरूप गुलाब देवी जी हैं, देवी स्वरूप, उनसे लाके कार्यालय का उद्घाटन कराया है। साथ में हमारे गुरु गोरक्षनाथ संप्रदाय के गुरुदेव जी भी साथ में हैं, गोवर्धननाथ जी, और बहुत सारे संत लोग हैं, और एक बड़ी संख्या के अंदर हमारे मातृशक्ति और मेरे भाई बहन और मेरे छत्तीस कौम यहाँ साथ खड़ी है। और जो कोई कहता था कि 1-2-3 वार्ड तक सिमटा हुआ है, वो आज जरा नज़र, अभी तो मैंने तो बाहर दौड़ा ही नहीं है, नज़र दौड़ा ले क्या किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय उद्घाटन में इतनी संख्या होती है क्या? तो ये मैं इनका साधुवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे टिकट दिया है जनता ने, और वही जनता आज मेरे को चुनाव कार्यालय खुलाने के लाई है, वही जनता नामांकन भराने के लिए गई थी, और वही जनता मतदान के दिन मतदान करेगी और अजमेर एक नए इतिहास की ओर बढ़ेगा। धनतेरस पर्व के अवसर पर आज आयुर्वेदिक निदेशालय में निदेशालय के कर्मचारियों और आयुर्वेद अधिकारियों द्वारा भगवान धन्वंतरी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर उपनिदेशक महेंद्र माथुर ने बताया कि धनतेरस का पर्व अपने आप में एक अलग ही महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी का मानव जीवन को औषधि के रूप में दिया गया अमूल्य उपहार मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन त्रयोदशी पर्व के अवसर पर आज आयुर्वेदिक निदेशालय में निदेशालय के कर्मचारियों और आयुर्वेद अधिकारियों द्वारा भगवान धन्वंतरी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर उपनिदेशक महेंद्र माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि धन त्रयोदशी का पर्व अपने आप में एक अलग ही महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी का मानव जीवन को औषधि के रूप में दिया गया अमूल्य उपहार मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक धन त्रयोदशी के दिन समस्त अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा भगवान त्रयोदशी की पूजा अर्चना की जाती है, इसके बाद आरती कर सभी को प्रसाद वितरित किया जाता है। निदेशालय आयुर्वेद विभाग है और यहाँ पे आज हम सब हमारे आदि पर्वतक भगवान श्री धन्वंतरी जी का नमन और प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि वो सभी
व्यक्तियों को, हमारे देशवासियों और विश्व के सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य प्रदान करें। इस दिन हम को आयुर्वेद का जो समुद्र मंथन हुआ था उस समय प्रादुर्भाव हुआ था, भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद का ज्ञान लेके आए थे और हम सब ने बांटा, जिसके उनके निर्देशानुसार उनकी के भावना के अनुसार हम सब आज उनको प्रणाम करते हुए और उनसे स्वास्थ्य की कामना करते हुए स्वास्थ्य जन प्रदान करने के लिए सभी जनों को, प्रदेशवासियों को, हम आयुर्वेद विभाग उनके स्वास्थ्य के लिए तत्पर रहता है और उनके स्वास्थ्य की बनाए रखने के लिए एवं आप बीमार होने पर उनके स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पे हम भगवान धन्वंतरी की सभी, हमारे निदेशालय स्तर के सभी अधिकारी कर्मचारी गण मिलकर के उनकी। और इसी के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।